हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं और आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अभी सुबह का समय हो रहा है और मैं जल्दी उठी थी क्योंकि आज सावन का सोमवार भी था, साथ में नागपंचमी भी थी, तो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा सफाई करनी थी। मैंने झाड़ू लगाया और उधर मम्मी पूजा के बर्तन धो रही थी। उसके बाद फिर मैं आई, मैं पोछा लगाने जा रही थी तो मम्मी ने बोला आज पोछा नहीं लगेगा, आज पूरा घर धो लेगा। तो मैं घर धोने लगी और फिर मैं धोती ही रह गई क्योंकि मुझे घर धोने में बहुत टाइम लग गया। फिर किचन में बर्तन भी थे तो मम्मी धोने जा रही थी तो मैंने कहा रहने दो, बर्तन क्यों धोना है। तो मम्मी ने कहा उसका वेट नहीं करना है, हाउस हेल्पर का बर्तन धो देते हैं क्योंकि पूजा होनी है सुबह ही, तो इसलिए फिर मैंने बर्तन भी धोए। तो मेरा सारा काम हो चुका है सुबह का और आज है नागपंचमी, तो आप सबको नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और अब मैं जा रही हूँ किचन में क्योंकि सारा काम हो चुका है, बस किचन का काम ही बाकी है। तो मैं जा रही हूँ खाना बनाने और पूजा भी हो गई है, अब आरती भी उठ चुकी है ना। अभी तो सुबह की शुरुआत ही हुई है और मैं इतना थक चुकी थी। फिर मैं नहा के मैंने पूजा वूजा कर ली है और मम्मी ने भी पूजा कर ली है। उसके बाद मम्मी ने मुझे दिया है दूध और धान का लावा जो कि पूरे घर में छिड़कना था ऊपर से नीचे तक, तो मैं वही छिड़क रही थी एक एक कोने में। मम्मी ने मुझे बोला था अंदर बाहर हर जगह छिड़कने के लिए, तो मैं वही लेके ऊपर गई, नीचे गई, हर जगह मैंने उसको छिड़का। उसके बाद फिर मैं किचन में आई हूँ और किचन में आने के बाद मैंने एक तरफ कढ़ाई रखी है और एक तरफ खीर बनने रख दी थी और एक साइड पे चाय चढ़ा दी थी क्योंकि चाय का टाइम भी हो ही चुका है सबका। तो हाँ, चाय बना रही हूँ मैं सबके लिए और सब्जी मेरी हो रही है और खीर मेरी बन चुकी है, खीर कंप्लीट हो चुकी है। और सब्जी मैं बना रही थी आलू टमाटर की, तो जिसके लिए मैंने आलू उबाल के रख लिए थे। आलू मैंने नहाने के बाद आने का सबसे पहले बॉईल कर लिए थे, उसके बाद ही पूजा वगैरह की थी। फिर इधर मैं आटा गूंद रही थी और आटा मैं आज पूड़ी के लिए गूंद रही थी क्योंकि आज पूड़ी और खीर बनती है। और फिर इधर गोलू आई है, आशी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही है। आशी मेरे साथ ही उठ गई थी पर मुझे एकदम टाइम नहीं मिला था कि मैं उसको कुछ भी खिला पिला पाऊँ, इसलिए गोलू उसके लिए बना रही है। क्या बना रही है मुझे भी नहीं पता, तो ये उसको खिलाएगी अभी। और इधर मैं दूसरी सब्जी मेरी बन गई है, ये मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है, तो गोभी सोनू को बहुत पसंद है इसीलिए गोभी बना दी थोड़ी सी। इधर मेरा खाना सब हो चुका है, बस पूड़ियाँ फ्राई करनी बाकी थी और मैं पूड़ी फ्राई कर रही हूँ क्योंकि ये लोग नहा चुके हैं। और इधर कान्हा जी का भोग मैंने निकाल के रखा हुआ है और खीर और पूड़ी का, और जब ये बनाई ही है तो फिर मैंने खीर पूड़ी उनको चढ़ा दिया था, भोग लगा दिया था। और इधर सोनू रेडी हो गए थे तो उनके लिए भी फटाफट टिफ़िन रेडी कर रही थी, हिमांशु का भी टिफ़िन रेडी कर रही थी। और इन लोग को फिर मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कराया और मम्मी पापा का फास्ट था तो उन लोग के लिए मैंने मखाने फ्राई किए और साथ में चाय बना दी। पापा को नहीं खाना था चाय के साथ, तो पापा को मैंने दूध में डिप करके दिया था पर वो गलती से गिर गया, तो फिर उसके बाद मैंने दोबारा फलहार बनाना स्टार्ट किया। तो मैंने बनाया था सब सब्जी जो थी वो मिक्स करके पकौड़े बनाए थे मैंने, उसमें ये सिंघाड़े के आटे का, और काफ़ी टेस्टी बनता है। इसकी रेसिपी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर की हुई है, अगर आप लोग को देखनी है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ये बिना नमक के बनाती हूँ पर बिना नमक का भी इतना टेस्टी बनता है कि मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे तो बहुत ही पसंद आती है। अब आप लोग जरूर ट्राई करिएगा, फिर बताइएगा आप लोग को कैसी लगी। उसके बाद फिर मेरा मिक्सचर तैयार हो गया था तो मैं अपने इधर पकौड़े फ्राई करने लग गई थी और दूसरी तरफ मैं शरबत बना रही थी क्योंकि कितना भी है सूखा नहीं अच्छा लगता है, कुछ तो साथ में ड्रिंक चाहिए रहता है। तो मैंने यहाँ पे चीनी और दही को मिक्स करके शरबत बनाया था, तो ये मम्मी पापा दोनों लोग को दिया और थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने भी खाया। रिद्धू को काफ़ी पसंद है पर आज रिद्धू ने नहीं खाया था। फिर मैं आई रूम में और रूम में आने के बाद फिर मैंने चादर लगाया। आज मुझे पूरा दिन मेरा किचन में ही चला गया था, आज बहुत टाइम लग गया था मुझे। तो अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं जब मैं अपने रूम में आई हूँ, फिर मैंने रूम पूरा साफ़ किया। उसके बाद फिर मैं सोचा मैंने थोड़ा सा आराम कर लूँ पर रिद्धु आज घर पे ही था, उसकी छुट्टी थी तो उसने मुझे एकदम आराम नहीं करने दिया, पर मैं थोड़ा सा मैंने आराम कर ही लिया आधा घंटा।
फिर आशी और ऋतु के चक्कर में सब शाम हो गई, पता ही नहीं चला। मेरी हाउस हेल्पर आई और उसने फिर बर्तन धो के, वो जा चुकी थी, फिर मैं आई किचन में, मैंने सारे जो बर्तन धुले हुए थे सारे बर्तन उनकी जगह पे लगाया। मैं उसको बोलती हूँ कि बर्तन भी लगा दिया करो, पर वो बोलती है मुझे नहीं समझ में आता है कौन सा कहाँ लगाना है, तो उसको बड़े बड़े बर्तन लगा देती है, छोटे छोटे जितने होते हैं वो छोड़ देती है, तो फिर वो मुझे लगाने देते हैं। फिर उसके बाद मैंने आज राजमा बनाना था क्योंकि सोनू को राजमा बहुत पसंद है और सोनू मुझे बोल के गए थे कि हमको राजमा खाना है, तो मैंने दोपहर में भिगो के रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने थोड़े से आलू छीले और राजमा और आलू को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था, और इधर आशी भी रो रही थी तो फिर उसको दूध पिलाना था, तो मैंने दूध दे दिया था गोलू को, तो गोलू और मम्मी मिलकर आशी को दूध पिलाने लगे थे और आशी को दूध पीना एकदम पसंद है। आशी को दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं है और आशी के साथ आजकल काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है खाने पीने को लेके, जो मेहनत गोलू कर रही है आजकल उसके साथ, वो उसको टाइम टू टाइम सोचती है मैं उसको सब कुछ खिला पिला दूँ, पर वो लड़की खाने के लिए तैयार ही नहीं रहती है कुछ भी, तो ये गोलू वो सोचती है कुछ भी कुछ होता है थोड़ा बहुत वो खा ले, और दूसरी तरफ ऋतु अपने खिलौने फैला के खेल रहे हैं, और तब तक ही सोनू आ गए ऑफिस से और टाइम से लेना था, उनका काफ़ी मन था लेने का, तो आज परचेज करके लेकर आए थे, तो वही ऋतु अनबॉक्स कर रहा था और दिखा रहा था, पूछ रहा था ये क्या है ऐसा क्यों है, क्योंकि ऋतु को नहीं अभी समझ में आ रहा था, तो वो आई तो टूटा हुआ लेकर आए हैं आप, ऐसा नहीं होता है। फिर उसने मुझे, फिर सोनू ने बोला कि मुझे बहुत तेज़ से भूख लगी है तो प्लीज़ मुझे कुछ दे दो, तो मैंने उनको बोला कि अब तो डिनर का टाइम है थोड़ा सा वेट कर लो, मैं डिनर जल्दी से बना देती हूँ, तो उन्होंने बोला ठीक है मुझे चाय दे दो, तो मैंने फिर किचन में आई चाय बनने रखी, तो मैं फ्रिज में देखा तो ब्रेड रखी हुई थी, तो मैंने ब्रेड बटर सेक दिया, रिद्धू को चाय, रिद्धू को मैंने दूध दे दिया और बाकी सब लोगों ने चाय और ब्रेड खाया, और मम्मी पापा का फास्ट था तो उन लोगों ने सिर्फ चाय पी थी, और उसके बाद फिर मैंने सोचा अब जल्दी बनाना है तो क्या कर सकते हैं, मैंने कढ़ाई भी बन रख दी थी और उस पर छौका लगा दिया था, क्योंकि मसाले भुनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसने मैंने मसाले भुनने के लिए रख दिया था, जब तक राजमा बॉयल होगा तब तक मसाला भी हो जाएगा, फिर जैसे ही मसाले हो गए थे मैंने राजमा उसमें डाल के जल्दी जल्दी पका लिया, और कुकर में फिर मैंने राइस पर रख दिए थे बनने के लिए, और उसके बाद फिर मैंने आटा गूंदा और रोटियां बना ली थी, और मम्मी पापा का फास्ट था तो उन लोग को मैंने रोटी और दही दी थी, क्योंकि एक टाइम अन्न खाया जाता है इस व्रत में, तो इसलिए वो लोग रोटी और दही खाए थे, और यहाँ पे रिद्धु आया बोला मुझे भूख बहुत तेज़ लगी है मुझे भी दे दो, तो मैंने उसको बोला कि मैं आपके लिए क्या बनाऊँ बता दो, तो उसने बोला नहीं मैं वही खाऊँगा जो बाकी सब लोग के लिए बन रहा है, तो और एक साइड में मैंने आशी के लिए मार चावल बनने रखा था, बस मेरा सारा खाना बन ही चुका था, मार चावल भी हो ही गया था ऑलमोस्ट, और फिर जब ये हो गया है तो उसके बाद फिर मैं आशी को जाके मार चावल खिलाने गई, तब तक रिद्धु किचन में आया और उसने अपनी प्लेटिंग खुद ही कर ली थी आज, और उसने फर्स्ट टाइम अपनी प्लेटिंग की थी, उसको बस बहुत पसंद है ऐसी वैराइटीज़।